हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है 2011 के सैटेलाइट रिपेयर मिशन से, जिसमें ईगल नाम के स्पेस शटल को स्पेस में भेजा गया था। यहाँ पे तीन एस्ट्रोनॉट रहते हैं, ब्रियान, मार्कस और जो। ब्रियान और मार्कस स्पेस शटल को बाहर से जाकर रिपेयर कर रहे होते हैं, और जो शटल के अंदर बैठ के इन्हें कमांड दे रही थी। लेकिन रिपेयर करने के टाइम मार्कस ब्रियान के पीछे से एक अजीब सी चीज इनके तरफ आते हुए देखता है, और वो तुरंत ब्रियान को बताता है। वो जो भी अजीब चीज थी जिसे मूवी में स्वॉर्म कहा गया है, वो उन लोगों पर हमला कर देती है, और स्वॉर्म अटैक से शटल तेजी से घूमने लगता है, जिसे जो बेहोश हो जाती है, और इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस स्पेस में कहीं और ड्रिफ्ट हो जाता है। लेकिन ब्रियान के शटल से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। ब्रियान किसी तरह से स्पेस शटल के अंदर आता है और मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। ब्रियान काफी मुश्किल से शटल को कंट्रोल में लाता है, जो को होश में लाता है, और उसका ध्यान जाता है कि वो जो स्वॉर्म था वो मून की तरफ वापस जा रहा है। अब ये लोग अर्थ पे आते हैं और ब्रियान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है उस हादसे के कारण, क्योंकि कोई भी स्वॉर्म अटैक पर बिलीव नहीं कर रहा था। मार्कस की मौत की वजह मेट्रॉइड के टकराने से और ह्यूमन एरर के कारण हुई है, और इसी बात से वो ब्रियान को जॉब से निकाल देते हैं। ब्रियान इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अकेला रहने लगता है, और इसी कारण से उसकी पत्नी कैरोलाइन अपने बेटे सनी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में केसी हाउसमैन को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूम में धोखे से घुसकर प्रोफेसर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वो खुद को ईमेल करता है, और वहां से निकलकर वो सीधा अपने जॉब पे चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद केसी को ईमेल पर वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि मून अपने फिक्स्ड ऑर्बिट से अलग चल रहा है, और अगर मून ऐसे ही अपनी ऑर्बिट चेंज करता रहेगा तो अर्थ को काफी नुकसान होगा। इसीलिए केसी अपने डिस्कवरी नासा में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट इसे एक प्रैंक कॉल समझ कर फोन रख देती है। अब दूसरी तरफ हम जो को अपने बेटे और उसकी नैनी केली के साथ देखते हैं। केली एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होती है, उनके साथ ही रहा करती थी। जो को काफी अर्जेंट नासा से कॉल आता है और जल्दबाजी में वो अपने घर से निकलती है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी टीम उसे बताती है कि मून अपने ऑर्बिट यानी उसका जो एक फिक्स्ड पाथ है वो बदल रहा है, और जल्द ही अर्थ और मून की दूरी कम होने वाली है, और कुछ ही दिनों के बाद मून अर्थ से टकरा जाएगा। ये सुनते ही जो काफी हैरान होती है कि इतने टाइम से हमें कैसे कुछ भी पता नहीं चला, या कोई भी रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिले। इसी बीच में केसी की नजर एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रियान हार्बर की पिक्चर रहती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और ब्रियान एक स्कूल में स्पीच देने के लिए जाएगा। अब ब्रियान एक काफी बड़ा एस्ट्रोनॉट था 10 साल पहले, इसीलिए केसी उसे पकड़ने के लिए जाता है और उसके स्कूल में पहुंचता है। वही दूसरी तरफ हम ब्रियान को देखते हैं, जिसने अपने लैंडलॉर्ड को काफी टाइम से रेंट नहीं दिया था, और उससे बचते हुए वो स्कूल आने के लिए निकलता है। लेकिन वहाँ पे उसकी जगह पे केसी ब्रियान के नाम पर लेक्चर दे रहा था। लेकिन केसी जैसे ही ब्रियान को आते हुए देखता है और अपने पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि मून अपनी ऑर्बिट बदल रहा है और वो जल्द ही अर्थ से टकराने वाला है। लेकिन ब्रियान को लगता है ये कोई बेवकूफ आदमी है, इसीलिए वो उसके बात पे ध्यान नहीं देता और सिक्योरिटी को बुलाकर केसी को वहाँ से निकलवा देता है। लेकिन जाते हुए केसी अपने सारे पेपर्स वहीं पे गलती से गिरा देता है। ब्रियान शाम में अपने घर पे बैठा हुआ था, तभी उसकी एक्स वाइफ कैरलिन का उसे कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उनके बेटे सनी को पुलिस ने पकड़ा है। ये सुनते ही ब्रियान सबसे पहले कैरलिन का जो अभी का हस्बैंड रहता है टॉम, उससे मिलने जाता है। टॉम और ब्रियान दोनों भी फिर कोर्ट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे सनी की हियरिंग हो रही थी, और ब्रियान काफी रिक्वेस्ट करता है सनी की बेल करने की, लेकिन जज बेल के लिए नहीं मानते और सनी को 2 दिन की जेल होती है। अब गुस्से में ब्रियान टॉम को खरी खोटी सुनाकर अपने घर आने निकलता है, लेकिन अचानक से बाहर का माहौल काफी खराब हो गया था, बहुत ही जोरों की बारिश और तूफान आ रहे थे। वही दूसरी जगह केसी अपनी सारी डिस्कवरी, अपने पेपर्स, ये सारी थ्योरी वो इंटरनेट पे डाल देता है, जहाँ पे वो मून को एक मेगा स्ट्रक्चर यानी एक तरह का एलियन बताता है। तो वही दूसरी तरफ नासा में पूरी हड़बड़ी मच गई थी, क्योंकि मून अब जल्दी अर्थ से टकराने वाला था। लेकिन जो के सीनियर ये सारी बात को सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि न्यूज चैनल पर ऑलरेडी
इस बात पे ही डिबेट चल रही है, यानी कि किसी ने ऑलरेडी ये खबर लीक कर दी थी। यहाँ पे ब्रियान अपने घर में अकेला बैठा होता है और वो भी न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ग्रेविटी के कारण मून के टुकड़े होंगे और वो अर्थ पर गिरेंगे, जिसके कारण अर्थ भी क्रैश होने वाली है। और उसे रियलाइज होता है कि बाहर का माहौल और भी खराब होते जा रहा है और उसे केसी के बात पर भरोसा होने लगता है। इसीलिए वो वापस स्कूल जाता है और डस्टबिन से केसी के वो सारे पेपर्स इकट्ठा करता है और उन पेपर से उसे केसी की वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पे केसी का एक वीडियो था जिसमें उसने लिखा था कि जो भी उसकी थ्योरी पर भरोसा करते हैं उन्हें एक मोटेल में मिलना है। अब ब्रियान वहाँ पे पहुँचता है और केसी से पूछता है कि ये सब कुछ उसने नासा से भी पहले कैसे पता किया हाई इक्विपमेंट के बिना। तभी केसी बताता है कि वो कई सालों से डिस्टेंस प्लैनेट पर स्टडी कर रहा था ताकि वो एक मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट को खोज पाए। मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट यानी जो अंदर से पूरा खाली होता है लेकिन उनके कोर में एक व्हाइट स्टार होता है जो उसके आसपास के सारे प्लैनेट को एनर्जी देता है। आगे केसी बताता है कि लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं थी कि मून ही वो मेगा स्ट्रक्चर प्लैनेट निकलेगा। आगे वो बताता है कि मून के अंदर के स्ट्रक्चर में अभी कुछ हलचल हुई है और इसी कारण से वो अपना पाथ बदल रहा है और ये सब कुछ गलती से नहीं बल्कि सोची समझी किसी की साजिश है। आगे वो अपनी एलियन थ्योरी भी ब्रायन के सामने रखता है कि शायद कोई एलियन होगा जो इन सारी चीजों को जानबूझ के ऑपरेट कर रहा है। ये सब कुछ सुनकर ब्रियान हैरान होता है। इनकी ये बातचीत चली रही थी लेकिन बाहर का माहौल इतना खराब होता है, बड़े बड़े सुनामी जैसे वेव्स आने लगते हैं और देखते ही देखते इनका पूरा शहर बहने लगता है। इनके मोटेल में भी पूरा पानी भरने लगता है। कैसे तैसे ये लोग बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा शहर अब पानी में डूब रहा है। ये लोग कुछ देर के लिए बिल्डिंग के ऊपर सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं जो मून पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपना एक स्पेस शटल भेजते हैं जो कि कुछ समय में मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन उनके ऊपर वापस स्वॉर्म अटैक होता है और वो सारे मारे जाते हैं जो ये सब कुछ लाइव कैमरे से देख रही थी। अब नासा के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता और बाहर का माहौल हर मिनट खराब होते जा रहा था। इसीलिए ये देखते हुए नासा के जो भी सीनियर्स होते हैं, जो के बॉस, वो सारे ऑपरेशन को छोड़ के भागने लगते हैं और जो को अपनी पोजीशन देते हैं। जो ये सब कुछ देख काफी हैरान होती है और कहती है कि मैं अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकती। तभी उसका सीनियर उसे कहता है कि उसे डेनफील्ड से जाके मिलना होगा। डेनफील्ड दरअसल नासा में काफी सालों पहले काम किया करता था और उसके पास नासा के काफी सारे डार्क सीक्रेट के रिकॉर्ड्स थे। डेनफील्ड आर्मी से सिक्योर जगह पे रहता था। अब जो के पास एक्सेस होने के कारण वो डेनफील्ड से मिल पाती है और डेनफील्ड उसे कुछ वीडियो टेप्स दिखाता है और उन टेप्स में उसने स्वॉर्म अटैक दिखाई देता है। उसी वक्त डेनफील्ड भी वहां पे आ जाता है। तब वो बताता है कि दरअसल अपोलो 11 ये जो फर्स्ट मिशन था मून का, तब मून के लैंडिंग के समय मून की सतह पर काफी असामान्य चीजों की खोज हुई थी जिसे कोई भी एस्ट्रोनॉट या नासा अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें लैंडिंग में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मून नहीं चाहता कि कोई भी इंसान वहां पे आए। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट ने अपना इंजन बंद किया था तभी स्टेबल होने के बाद वो लैंड कर पाए थे और उसके बाद ही अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट हो पाया था। इससे एस्ट्रोनॉट का ये अनुमान होता है कि शायद किसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ये लोग लैंड नहीं कर पाए थे। आगे डेनफील्ड उसे बताता है अपोलो 11 में वो खुद भी शामिल था और वापस अर्थ पे आने के बाद उसने और उसके टीम ने नासा को बताने की कोशिश की थी लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे पागल करार देकर एक जगह पे छुपने के लिए कह दिया था। आगे वो अपना अनुमान बताता है कि असल में मून और कोई नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियली बनाया गया स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों से काफी एडवांस है। इसी दरमियान जो को उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जो कि मिलिट्री में काफी बड़ा ऑफिसर होता है और वो कहता है कि वे लोग मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। लेकिन ये सुनते ही जो काफी हैरान होती क्योंकि अगर मून पे अटैक किया तो अर्थ भी कुछ रहने नहीं वाली है। इसीलिए वो उन सारे ऑफिशियल से मीटिंग लेकर अटैक ना करने के लिए कहती है लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसी मीटिंग में जो का एक्स हस्बैंड जनरल डग भी होता है जो को अपने बेटे जिमी के साथ बंकर में आने के लिए कहता है। अब जो के पास कोई भी और मदद नहीं होती, ना कोई स्पेसक्राफ्ट रहता है ना ही कोई स्टाफ, इसीलिए वो भी हार मानकर अपने बेटे और केली को साथ
साथ लेकर डग ने बताए हुए बंकर में जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। इसके बाद वो तीनों भी सीधा स्पेसक्राफ्ट को लेने के लिए जाते हैं। अब जो तक केसी की बात पहुंच जाती है, इसीलिए वो केसी को ढूंढने के लिए अपने एक्स हस्बैंड की मदद लेती है और उसे ट्रैक करके उसकी टीम मोटेल में जाती है। वहीं पे ब्रियान भी उसे मिलता है और वे लोग उसे टूटे फूटे नासा के बिल्डिंग में लेके आते हैं और जो उनसे मिलने के लिए आती है और जो ब्रियान को सारी सिचुएशन बताती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ब्रियान को अपने साथ काम करने के लिए कहती है। ब्रियान पहले तो मना करता है लेकिन कैटलिन यानी उसकी एक्स वाइफ के फैमिली को सेफली बंकर में और सनी को सेफली यहाँ पे नासा के ऑफिस में पहुँचाने की शर्त रखता है जिसपे जो मान जाती है और आर्मी की एक टीम सनी को लेने के लिए जेल चली जाती है। अब जो और ब्रियान एक इनकम्प्लीट स्पेस शटल को म्यूजियम से नासा सेंटर में लाते हैं और तैयारी करने लगते हैं तो वही दूसरी तरफ मून की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पूरी धरती विनाश होने के कगार पर थी। अब जो और ब्रियान का प्लान ये होता है कि ये लोग उस शटल के थ्रू मून पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके उस स्वॉर्म अटैक को बाहर निकालेंगे और यही स्वॉर्म अटैक है जो मून को अपने एक्सिस से दूर कर रहा है, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करेंगे। इसी दरमियान सनी भी बिल्डिंग में आ जाता है जिसे देख ब्रियान काफी खुश होता है। तो वही दूसरी तरफ डग अपने बेटे को कॉल करता है जिसके साथ केली रहती है और उस बंकर में आने के लिए कहता है लेकिन जो जाने से मना करती है क्योंकि उसको मून पर जाना होता है। यहाँ से बंकर कुछ थोड़ी ही दूर पे था इसीलिए केली और उसका बेटा निकल जाते हैं। तो यहाँ पे केसी जो और ब्रायन तीनों भी कुछ नासा का स्टाफ स्पेस शटल को मून के लैंडिंग के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन इसी बीच में बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है और स्पेसक्राफ्ट के इंजन का नुकसान हो जाता है यानी कि इनके पास अब कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे जिससे कि एक शटल इग्नाइट करके वो मून तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ देख के जो हारने लगती है और जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। अर्थ पे बसे हुए लोग मून को अपनी आंखों से देख पा रहे थे, वो काफी नजदीक आ गया था। ब्रियान भी काफी नाराज होता है कि ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। अब जो निराश बैठी हुई थी तभी वो देखती है कि मून की ग्रेविटी में काफी बढ़ाव आ रही है और तभी ब्रियान और केसी को एक आइडिया आता है और वो मून के बढ़ती ग्रेविटी के थ्रू खुद को स्पेस में लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं जिससे कि अगर वो एक बार अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच पाए तो मून खुद ब खुद उन्हें अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि मून की ग्रेविटी काफी बढ़ रही थी। अब इनके पास स्टाफ तो होता नहीं इसीलिए ब्रियान केसी और जो ये तीनों भी उस स्पेस शटल में चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी लहर पूरे शहर को तबाह करते हुए इनके तरफ ही आ रही होती है। इनके पास समय बहुत ही कम होता है और इन्हें कैसे तैसे 3 सेकंड के अंदर ही इग्निशन करना पड़ता है और कैसे तैसे ये शटल का इंजन इग्नाइट करते हैं और उन वेव्स को पीछे छोड़ते हुए ये लोग अर्थ के ऑर्बिट के तरफ जाने के लिए निकलते हैं और देखते ही देखते ये लोग अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मून इनका शटल अपने पास खींचने लगता है लेकिन मून से निकलने वाले डेब्रीज इनके शटल को काफी टकरा जाते हैं जिससे कि इनका काफी नुकसान होता है और वे लोग मून के उसी होल पर क्रैश कर जाते हैं जहां से वो स्वॉर्म अटैक निकलता था। अब ये लोग मून पे लैंड करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देते हैं स्वॉर्म अटैक होने से पहले। तो यहाँ दूसरी तरफ हम अर्थ पे देखते हैं सनी के कार को कुछ गुंडे रोक लेते हैं, गाड़ी चोरी करके लेके जाते हैं। अब सनी इन दोनों को भी लेके एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे उसका घर था यानी टॉम और कैरलिन का घर और थोड़े ही वॉक पे चलने के बाद ये लोग अपने घर पे पहुँचते हैं और सनी अपने माँ कैरलिन और अपने सिबलिंग के साथ रियूनाइट होता है और वे लोग कार लेके बंकर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन बीच में ही ये लोग सप्लाई लेने के लिए रुक जाते हैं कि मून बहुत ही नजदीक आया हुआ है और पूरे मेट्रोइड धरती पर टकरा रहे थे, बहुत ही ब्लास्ट हो रहे थे आसपास और पंछी इस एरिया से काफी दूर भाग रहे थे और उससे ये लोग अनुमान लगाते हैं कि बहुत जल्द ही ऑक्सीजन खत्म होने वाला है इसीलिए पास के ही क्लिनिक से ये लोग ऑक्सीजन टैंक चुराते हैं और वहां से निकलने के वक्त वो गुंडे वापस इनके पीछे लग जाते हैं ऑक्सीजन टैंक के लिए। लेकिन टॉम और सनी उनके कार को चकमा देते हुए आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो रहा था। इसी बीच में हम स्पेस में देखते हैं ये लोग मून के उस स्ट्रक्चर के पास जा ही रहे थे, तभी केसी अपने फोन से पिक्चर लेने लगता है। इसी समय ब्रियान को हम देखते हैं वो उसी होल के पास जो इनका न्यूक्लियर बॉम्ब रहता है वहाँ पे छोड़कर वापस शटल में आता है। अब थोड़े समय के बाद वो स्वॉर्म उस होल से निकलता है, लेकिन उस बॉम्ब के नजदीक जाने के बजाय वो इनके स्पेस शटल के पास ही आने लगता है। उस स्वॉर्म को शटल के बारे में पता नहीं होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने शटल बंद रखा था। ये देख के जो रिमोट कंट्रोल जो होता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट किया जा सकता है वो तोड़ देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही स्वॉर्म को इनके बारे में पता चला था। लेकिन इसके बावजूद वो स्वॉर्म इनके पास आ रहा था। ये देख वो आसपास देखने लगती है और उसे केसी का मोबाइल दिखाई देता है जिसे वो तोड़ देती है। जैसे ही मोबाइल तोड़ती है वो स्वॉर्म वापस होल के अंदर चला जाता है। उन्हें समझ आता है कि स्वॉर्म ऐसी चीजों को ही डिटेक्ट करता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक और सिग्नल देने वाली चीज हो। इनका फर्स्ट प्लान फेल हुआ था स्वॉर्म को मारने का, इसीलिए स्वॉर्म को वापस शटल के अंदर रखते हैं और शटल उसी होल में लेके जाते हैं जहाँ से स्वॉर्म बाहर आया था। 20 फीट मून के नीचे जाने के बाद उनका स्पेस क्राफ्ट खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिकली उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और देखते देखते 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि मून सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है, यानी के अंदर पूरा खोखला था और एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म होता है अंदर। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही ऑन होते हैं वापस वो स्वॉर्म उनके पीछे पड़ जाता है और इनका शटल एक गेटवे के अंदर घुस जाता है और वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन वो स्वॉर्म बार बार गेट के ऊपर अटैक करने लगता है। इन्हें पता नहीं चलता कि मून के अंदर ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एक अजीब से एटमोसफेयर में जाने के कारण ये तीनों भी बेहोश हो जाते हैं। पीछे पड़ा हुआ स्वॉर्म उस गेट को नहीं तोड़ पाता। अब होश में आने पर जो और केसी देखते हैं उस एनवायरनमेंट में ग्रेविटी और ऑक्सीजन अर्थ लाइक ही थी, लेकिन वहाँ पे ब्रियान नहीं था और वो बाहर आके ब्रियान को ढूंढने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह पे हम ब्रियान को देखते हैं जो खुद को एक क्लोज रूम में पाता है। उसे अपना बेटा दिखाई देता है जब वो छोटा बच्चा था। ये एक तरह का एआई था और ब्रियान उस एआई को कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो वो एआई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी पढ़ के एक फ्रेंडली इंसान का चेहरा अपनाया है ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। आगे वो बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये सुन के ब्रियान काफी हैरान होता है। वो कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के जो भी पूर्वज थे वो हाईली इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे और स्पेस में उन्होंने काफी सारे प्लैनेट्स बनाए हुए थे और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफी पीसफुली वो अलग अलग प्लैनेट्स में रहा करते थे। लेकिन इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो सेल्फ अवेयर होते गया और एक दिन उसने खुद की आर्मी बनाई और वो एआई पूरी तरीके से इविल बन के एक स्वॉर्म बन गया और उसने अपनी आर्मी के साथ मिलकर उस समय के इंसानों को मारने लगा। लेकिन इंसान भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने एआई से काफी सालों तक फाइट किया। अलग अलग प्लैनेट्स में जाके उनकी ये लड़ाई चल रही थी, यानी ये इंटरगैलेक्टिक वॉर था। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की एनर्जी और रिसोर्सेज भी कम होते गए। दरअसल अर्थ इंसानों के लिए इन्हें एडवांस ह्यूमन ने बनाया था और मून भी अर्थ के ग्रेविटी के लिए उन्होंने ही आर्टिफिशियली बनाया था। इसके बाद उन्होंने अर्थ पर खुद का डीएनए डाले ताकि सदियों के बाद एवोल्यूशन होके अर्थ पे भी इंसान बसे और उसी के साथ इस लड़ाई में एडवांस ह्यूमन मारे गए। लेकिन उन्होंने अपना सबकॉन्शियस एक एआई में स्टोर किया था जो कि स्वॉर्म से छुपाने के लिए मून के ही कोर में रख दिया था और इस सबकॉन्शियस एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन स्वॉर्म जो पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की खोज कर रहा था उसे अर्थ और इस सबकॉन्शियस एआई के बारे में पता चलता है और वो कंटिन्यूसली मून में बसे उस सबकॉन्शियस एआई को मारना चाहता था, लेकिन उस स्ट्रक्चर के कारण उसे पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस स्वॉर्म ने इंसान और इस सबकॉन्शियस एआई को मारने का एक तरीका ढूंढा और मून को सीधा अर्थ पर ही क्रैश करने का ठान लिया, जिससे इंसान और ये सबकॉन्शियस एआई दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाते।
ये स्वॉर्म बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज जब साथ में आती है तभी उसे ढूंढ पाता था। और आगे वो कहता है, अगर अर्थ के लोगों को बचना है तो उसे किसी भी तरह उस स्वॉर्म को मारना होगा, जिसके लिए उस एआई को ब्रायन की हेल्प चाहिए थी। सारी हकीकत जानने के बाद ब्रायन भी रेडी होता है। वो एआई इनके बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल और शिप को रिपेयर करता है, जिसके बाद वो उस रूम से बाहर आता है जहाँ पे वो जो और केसी से मिलता है। और ब्रायन यहाँ पे सारी चीजें उनको बताता है और कहता है कि मून को वापस अपने ऑर्बिट में लाने के लिए हमें उस स्वॉर्म को मारना होगा। तो वही दूसरी तरफ हम बंकर में देखते हैं, जहाँ पे मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन डगलस सबको गन पॉइंट पे पकड़ लेता है और वो कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी वहीं पर है। तो वही दूसरी जगह पे हम अर्थ में देखते हैं, अर्थ की ऑक्सीजन भी कम हो रही थी, लेकिन काफी टाइम बीत जाता है और ऑक्सीजन टैंक खत्म होने लगता है और इसी में कैरलिन का हस्बैंड टॉम मारा जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेस में ये तीनों भी अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर वापस स्ट्रक्चर से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पे उनके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। यहाँ पर ब्रियान जैसे ही स्वॉर्म नजदीक आने वाला था, दूसरे पॉड में बॉम्ब के साथ खुद को रिलीज कर स्पेस में ब्लास्ट करने वाला था ताकि वो स्वॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो, जिसके लिए जो और केसी मना करते हैं। इसीलिए केसी बिना कुछ कहे चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब के शटल में चला जाता है। ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे कहता है कि उसकी माँ को उसकी बहादुरी की कहानी बताना कि उसका बेटा स्पेस में जाके आया है, और वो खुद को डिटैच करता है। इनके पीछे ही स्वॉर्म होता है। अब अपना क्राफ्ट लेके ये लोग जैसे ही ऊपर चले जाते हैं और वो स्वॉर्म उस बॉम्ब के आसपास रेंगने लगता है, कैसे ही रिमोट कर उस न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट कर देता है और उसी ब्लास्ट में स्वॉर्म मारा जाता है, लेकिन कैसे भी खुद का सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पे इनकी शटल उस होल से बाहर आती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मून एक्चुअली में अर्थ को भी टच ही करने वाला था। इसीलिए जैसे ही वो उस होल से बाहर आते हैं, वो सीधा अर्थ पर ही लैंड हो जाते हैं। और जैसे ही वो स्वॉर्म मारा जाता है, और मून के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ने लगता है और मून धीरे धीरे वापस अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। और इसी तरह कुछ घंटे में सब कुछ स्टेबल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम उसी स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं, जो अपने माँ और कुछ लोगों के साथ वहाँ पे होता है। उस सबकॉन्शियस एआई ने उसे बचा लिया था और अपना सारा नॉलेज वो एआई इंसानों के साथ शेयर कर रहा था ताकि वो भी पहले की तरह एडवांस बने। और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।